Hello students, today we will discuss about the poems of Maniza Alvi. She is the diasporic Pakistani writer and we will discuss about the background of the writer. She is the diasporic writer, I told you before that, and she was born in Pakistan and at a very young age she migrated from Pakistan to the London because her father was a Pakistani and her mother was a Britisher. So she has the hybrid identity crisis problem, same like the other writers, diasporic writers, and also she studied in the London, and the famous work Peacock Luggage, The Country at My Shoulders, and in her poetry we will discuss about the gender issues as well. Now if we will discuss about her poem. Poem that was very famous, the present from my aunt in Pakistan. And today we will discuss about the main features and critical analysis of this poem. The major themes we will find in the Maniza Alvi poetry is the duality. Duality from the concept of that, ke basically she has the hybrid identity. And duality, she belongs to the Pakistan as well as the English culture, and because her mother was a Britisher, and she spent a lot of time with her English grandmother, so genetically she has the dual culture, dual identity. Because her homeland was the Pakistan as well as the British and UK. And if we will discuss about the poems of the Maniza Alvi, so we will see the confusion of her mind in the form of duality, that is identity crisis. Bilkul isi tarike se identity crisis ka wo shikar thi jis tarah के पाकिस्तान बनने के बाद पार्टीशन के टाइम में 1947 के बाद जो फेस करना पड़ा ट्रोमा मुस्लिम्स को, मुस्लिम राइटर्स थे, दे हैव द आइडेंटिटी कल्चर हेरिटेज एंड ऑल दीज थिंग्स क्रिएटेड द कन्फ्यूजन इन देयर माइंड, और बहुत अरसे तक उन्हें अनटचेबल कंसीडर किया जाता रहा, जिसमें ज़ुल्फ़िकार गूज और इम्तियाज़ हुसैन जैसे बड़े नाम हैं. और इसके अलावा जो मनीज़ा अलवी की इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो फेमिनिस्टिक एलिमेंट्स इन हर पोइट्री एज वेल. ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपको फेमिनिज़म की भी एक शेडोज़ आपको नज़र आएंगे. इमेजिज़म का इसने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है और इसमें आइडेंटिटी प्रॉब्लम के इशू को डिस्कस किया है. जिस तरह पाकिस्तानी राइटर्स आइडेंटिटी प्रॉब्लम का शिकार है कि हमारी रूट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, वेदर वी बिलोंग टू द आफ्टर द 1947 और बिफोर 1947. तो ये जो कन्फ्यूजन था मुस्लिम्स राइटर्स का, ये उनके वर्क में भी नज़र आया. और एज़ कम्पेयर टू द इंडियन राइटर्स, दे डिडेंट फेस सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. दे स्टार्टेड राइटिंग विद द फ्रीडम एंड वट एवर दे थॉट द अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, दे हाईलाइट द इशूज़. इसी तरीके से अगर इनके इनकी पोइट्री को डिस्कस करने से पहले आइसोलेशन का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकॉज डायस्पोरिक राइटर्स जो होते हैं उनका एक जिस तरह एक नोस्टाल्जिया होता है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है नोस्टाल्जिया, आइडेंटिटी क्राइसिस, इसी तरीके से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनकी पोइट्री में होती है वो आइसोलेशन और एलिनेशन के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम देयर होमलैंड. और जब उनकी जो रूट्स होती हैं, जैसे पाकिस्तान से, जैसे मनीज़ा अलवी बिलोंग भी करती थी क्योंकि फादर की वजह से शी स्पेंट आल्सो द टाइम इन पाकिस्तान, बट शी माइग्रेटेड टू यूके, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दोनों कल्चर्स की जो आप कह सकते हैं एक आपको कनेक्शन नज़र आएगा दोनों में, ब्रिटिश इंग्लिश कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर, इनकी पोइट्री जैसे कि द प्रेजेंट फ्रॉम माय आंट इन पाकिस्तान में हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि वो अगर हम उनकी पोम को हम रीड आउट करें, दे सेंट मी या शलवार कमीज पीकॉक ब्लू एंड द अनदर ग्लिसनिंग लाइक अ ऑरेंज स्प्लिट ओपन एम
embossed slippers, gold and the black points curling, canister glass bangles. अब यहाँ पे जो present है as a metaphor के तौर पर represent किया जा रहा है culture of Pakistan, उसकी identity को represent कर रहा है. यहाँ पे जो मनीजा है she depicted the element of the connection with the Pakistani roots, and we will also see that how these roots affect in her poetry. उसमें उनकी inner और outer struggle भी represent होती है. एक जब writer होता है जब उसके जैसे कि इस poem के अंदर वो कहती हैं कि जब उनको present अपनी auntie से पाकिस्तान से receive हुए तो उनमें से शिक शलवार कमीज़ थी पीको कलर की, इसी तरह apple green कलर की साहरी थी, इसी तरह गोल्डन कलर की जो बैंगल्स और इस किस्म की चीज़ें थी. तो शी होल हार्टेडली शी रिसीव दीज गिफ्ट्स. सो एक तरह से ये जो पाकिस्तानी कल्चर के साथ उनके कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन उसके साथ साथ वो कहती है कि व्हेन शी ट्राइड टू वेयर दीज शलवार कमीज, तो उसके जो उस टाइम जो इंग्लिश सोसाइटी है उसमें उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने इसको ज़्यादा लाइक नहीं किया. जो ग्लास वर्क था, मिरर वर्क उनके कपड़ों के ऊपर हुआ हुआ था जो से उसकी आंटी ने पाकिस्तान से सेंड किया था, तो वो जो है उसके फ्रेंड्स को ज़्यादा पसंद नहीं आया. और उस सारी सिचुएशन में वो अपने आप को एक आइसोलेटेड पर्सनैलिटी कंसिडर करने लग गई, जैसे कि एक एलियनेशन का शिकार होती है. बेसिकली वो ये कहना चाह रही है कि शी नेवर फेल्ट द कम्फर्टेबल whether in the jeans and the shalwar kameez, because reason is that ki she belongs to two culture or she is in the confusion state aur ek inner or outer struggle ko wo face kar rahi hai ki ye aisa nahi ki sirf shalwar kameez hi ko pehen ke wo ek isolation ka shikar ho gayi, balki jab wo jeans ko bhi wear karti thi to bhi use aisa lagta tha ki she is alienated from this society. तो बेसिकली इसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी हैं इनकी जो है पोइट्री के अंदर, जिसमें उनमें कन्फ्यूजन और पाकिस्तानी कल्चर और उसमें जो रिलीजन की एक इम्पैक्ट्स नज़र आएंगे, जियोग्राफिकल इम्पैक्ट्स नज़र आएंगे. इसी तरह जब वो बताती हैं कि जब उसकी थीम ऑफ नेशनलिज्म भी यहाँ पे वो डिस्कस करेंगी कि जब उसकी मदर ने गोल्डन कलर की जो बैंगल्स थी, इंडियन बैंगल्स उसने रिसीव की जो कि डेंगलिंग फिलग्री थी, तो उसकी मदर ने बहुत ज़्यादा उसे ना लाइकिंग के साथ एक्सेप्ट किया, विच रिप्रेजेंट हर पैट्रोटिज्म और नेशनलिज्म विद द पाकिस्तानी कल्चर को. लेकिन उसके साथ साथ वो एक और थीम को भी यहाँ पे डिस्कस कर रही है, मटीरियलिज्म मीन कि व्हेन शी वाज रिसीविंग सच काइंड ऑफ गिफ्ट्स एंड शी वाज सेइंग के वी आर एक्सेप्टिंग दिस गिफ्ट होल हार्टेडली एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन विद पाकिस्तानी कल्चर सोसाइटी सिमिलर एज कम्पेयर टू देयर आंट. जो कि आंटी हैं उन्होंने क्या डिमांड किया, उनके जो ब्रांडेड जो वहाँ के एक फेमस ब्रांड जैसे मार्क्स स्पेंसर हैं, इस कार्डिगन जो स्वीटर टाइप्स जो हैं वो उनसे रिक्वायर किए. तो वो एक तरह से मटेरियलिज्म दिखा रही है, मटेरियलिस्टिक कि हम जो हैं वी आर लिविंग फार अवे बट वी होल हार्टेडली अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ अ थिंग्स, कि हमारा किसी तरीके से हमारा कनेक्शन इनके साथ डेवलप हो. लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं लोग, दे प्रेफर द पाकिस्तानी ब्रांड्स इंस्टेड ऑफ देयर ओन लोकल. इसी तरीके से अगर आप देखें तो उसमें रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी का भी एक थीम वो डिस्कस करती हैं, जिसमें वो कहती हैं इन माई इंग्लिश ग्रैंड मदर डाइनिंग रूम्स, कि वो एकदम से उस टाइम पीरियड को याद करती है व्हेन शी स्पेंड अ टाइम इन द डाइनिंग रूम में, जब वो टाइम स्पेंड कर रही थी जैसे एक टिन की एक बोर्ड थी उसके साथ वो खेल रही थी अपनी इंग्लिश ग्रैंड मदर के साथ. उस टाइम पीरियड को भी याद करती है कि इट आल्सो रिप्रेजेंट हर कनेक्शन विद द इंग्लिश सोसाइटी, जिसमें वो कहती है इन माई इंग्लिश ग्रैंड मदर डाइनिंग रूम फाउंड माई सेल्फ अलोन, कि वहाँ अचानक ही एक तरह से फ्लैशेस उसके माइंड के अंदर आते हैं और उसे वो टाइम पीरियड याद आता है कि किस तरह शी वॉज प्लेइंग विद अ टिन बोट. ठीक है, इसी तरीके से वो कहती है कि एक और थीम जो डिस्कस करती है वो फ्रैक्चर्ड लैंड का यहाँ पे डिस्कस करती है, एक ऐसी फ्रैक्चर्ड लैंड पाकिस्तान का, मतलब वो रेफरेंस दे रही है कि हर आंट्स वर प्रिपेयरिंग अ गिफ्ट्स फॉर हर.
लेकिन वो शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द पुअर बैगर्स, वो कहती है लेकिन इसके बावजूद बहुत से पाकिस्तान के अंदर जो जो एक बैगर्स हैं दे अडॉप्टेड द प्रोफेशन, ठीक है, अब बैगिंग जो एक प्रोफेशन बन चुका है, हर साल वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लेकिन जो है जो बैगर्स उनके गेट पर आते हैं और उनसे एक तरह से वो क्लास डिफरेंसेस को, और अब यहाँ पे क्लास जो कार्ल मार्क्स की जो थियरी है जो जिसमें कैपिटलिस्ट ग्रुप और लेबर क्लास जो है लेबर क्लास, इसको भी वो डिस्कस करना चाह रही है कि जो क्लास डिफरेंसेस हैं इस सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा नमाया है, लेकिन वो उसके साथ साथ कहती हैं बट दे आर द लकी पीपल के एटलीस्ट ये मेरी जो आंटी हैं और जितनी आंट्स हैं और ऑल्सो द बैगर दे हैव नॉट एनी प्रॉब्लम सच काइंड ऑफ जो है आइडेंटिटी क्राइसिस विच आई एम फेसिंग, कि जिस तरह मैं फेस कर रही हूँ प्रॉब्लम्स को, इन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं, ऑल दो क्लास डिफरेंसेस हैं, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, मुख्तलिफ क्लासेस में पाकिस्तानी सोसाइटी डिवाइडेड है, लेकिन इसके बावजूद एटलीस्ट उनको ये कन्फ्यूजन जो है जो फ्रैक्चर्ड लैंड है वो आइडेंटिटी का शिकार नहीं है, फ्रैक्चर आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स नहीं है जैसे कि हम डायस्पोरिक राइटर्स को फेस करने पड़ रहे हैं। बेसिकली वो यहाँ पे कहती है कि जो है कन्फ्यूजन इस वजह से भी है कि वो अपने आप का इंटर कनेक्शन विद द होम लैंड डिवेलप करना चाह रही है, लेकिन अगर हम देखें कि जो इंसान की जो पर्सन जो होती है उसकी आइडेंटिटीज का इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा होता है कि इंसान की जो आइडेंटिटी होती है वो कंटिन्यूसली डिवेलप हो रही होती है और उस पर मुख्तलिफ जो जो है इन्फ्लुएंस जो इवेंट्स होते हैं और जो सोसाइटी के इर्द गिर्द सोसाइटी के अंदर इर्द गिर्द के माहौल के अंदर हमारे जो भी अवामिल कार फरमा होते हैं वो असरअंदाज कर रहे होते हैं हमारी पर्सनैलिटी की डिवेलपमेंट के अंदर। सो शी वॉज सेइंग के अ पर्सन आइडेंटिटी इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज शेप्ड बाय द कॉन्स्टेंट never completed process, और एक ऐसा process है जो कि कभी भी completed नहीं होता because it was influenced by the interaction of the various influences, क्योंकि हमेशा उसे मुख्तलिफ जो problem भी हो सकते हैं society के इर्द गिर्द की चीज़ें जो होती हैं issues होते हैं वो influence करते हैं। इसके साथ साथ वो एक nostalgic element को भी यहाँ discuss करना चाह रही है कि वो शालामार बाग की जो फ्रेटवर्क को जब देखती है, शालामार बाग के अंदर वो जो एक हरम का एरिया जहाँ पे एक उसको जब देखती है कवर्ड एरिए को, तो उसे वो टाइम पीरियड याद आता है जब 1960s में जब वो उसके फादर उसकी और वो ख़ुद जो है 1960 में उन्हें जो है जो क्राइसिस की वजह से जो ब्रिटिशर्स के जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उनकी वजह से उन्हें काफ़ी आइसोलेट कर दिया गया था और एक तरह से एक सेपरेट कम्युनिटी के तौर पर ट्रीट किया गया था, तो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम जब उन्हें आइसोलेट कर दिया गया था इंग्लैंड में 1960 में, तो उस टाइम पीरियड को याद करिए, द पीपल वर थिंकिंग कि वी आर स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम इन इंग्लैंड, लेकिन वी नो कि हाउ वी स्पेंड अ टाइम विद ऑल दीज क्राइसिस एंड विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो ये सारी पॉइंट में डिस्कस किया उसने, साथ साथ उसने आपको बता दिया मुख्तलिफ थीम को डिस्कस किया, किस तरह एक टीनेज गर्ल को प्रॉब्लम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है, किस तरह उसके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स थे, कल्चर आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स थे और किस तरह उसने गिफ्ट को रिसीव किया, एलिनेशन को फील किया, किस तरह नॉक्शस थी वो और रिकाली उस टाइम को रिकॉल कर रही थी व्हेन शी स्पेंट अ टाइम इन पाकिस्तान, और अपनी बर्थ प्लेस में उसने ऑलमोस्ट 50 पिक्चर्स जो थी शी हैज़ टेकन, ठीक है, और किस तरीके से इनर सेटिस्फेक्शन गेट करने के लिए वो कभी इनर अपना जो कनेक्शन है पाकिस्तानी कल्चर के साथ आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एंड थीम्स में मैंने आपको पहले बता दिया, नेशनलिज्म भी डिस्कस हो गया, फ्रैक्चर लैंड भी, एलिनेशन, कल्चर डिफरेंसेस जो पाकिस्तानी सोसाइटी और इंग्लिश सोसाइटी में है, एलिनेशन जब वो ड्रेसेस को वेयर करती है तो शी वॉज फीलिंग एलिनेशन आइसोलेशन के एलिमेंट, फ्रैक्चर लैंड वो लोग जो कि मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स की थियरी को अगर हम यहाँ पे उसका एनालिसिस देखें कि किस तरीके से क्लास अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास में पाकिस्तानी सोसाइटी डिवाइडेड है, पाकिस्तान जो उनकी उसकी आंट्स थी शी वॉज प्रिपेयरिंग अलग गिफ्ट्स एंड शी दे आर स्पेंडिंग अ लग्जोरियस लाइफ बट एज़ कम्पेयर टू देर आर द बैगर्स देयर एज वेल,
इसी तरीके नेशनलिज्म का एलिमेंट था जिसमें उसकी मदर जब गोल्डन उसको बैंगल्स को रिसीव करती है तो होल हार्टेडली उसे इंडियन बैंगल्स को टिंगलिंग फॉर फिलगरी वगैरह को रिसीव करते हुए उसे हैप्पीनेस फील हो रही होती है। इसी तरह मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स को भी उसने एक थीम के तौर पर लिया जिसमें उसकी आंटी जो है उनसे जो फॉरेन ब्रांड्स होती हैं वो रिक्वायर कर रही होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट the poem and these are the stylistic features के हवाले से देखें। इसमें metaphor, figure of speech का इस्तेमाल किया, colloquial language इस्तेमाल की है, diction इस्तेमाल किया गया है जिसमें lesson दे के we have to proud ourselves on our culture, on our identity as a Pakistani and we have to focus on the focus and we have to get the satisfaction at least we have not the problems like the confusion state of mind like Miniza Alvi and isi tarah usme diction ke alawa stylistic figure of speech metaphor usne present ko as a metaphor of Pakistani culture ke taur par use kiya hua hai। isi tarike se simile ka bhi istemal kiya gaya hai। simile mein usne mukhtalif jo hai simile ko jab istemal karte as like wagaira ka concept usne रिप्रेजेंट किया है और बाकी ये मैंने सब डिस्कस किए। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी उसकी क्या फीलिंग थी, सेंस ऑफ कल्चर आइडेंटिटी को भी उसने सारा डिस्कस कर लिया। अब मैं थोड़ा सा सिमली के हवाले से मैटर फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर वगैरह के हवाले से देख लेते हैं हम इसको, जिसमें आपने देखना है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच सिमली कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर जैसे कि उसने एज़ लाइक के तौर पर इस्तेमाल किया है